नगर निगम व विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति बनाने को लेकर शिमला में कांग्रेस का मंथन शुरू हो गया है। बैठक के लिए कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे हैं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस को कोई ताकत हरा नहीं सकती, नगर निगम और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि सोलन पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। धर्मशाला नगर निगम में अगर तोड़फोड़ ना की जाती तो कांग्रेस की जीत तय थी। उन्होंने कहा कि नगर निगम और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है, आम आदमी पार्टी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी छोटी मोटी ताकतें वोट काटने के लिए आती रहती हैं। केजरीवाल हर राज्य में जाते रहते हैं, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सोनिया गांधी ने बैठक कर सबके विचारों को सुना है, कांग्रेस हाईकमान ही इस पर फैसला लेगा। एक वार्ड पे हम बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे, बड़ी मेहनत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। जैसे हमने जो है, आपको याद हो, सोलन भी हमने जीता, पालमपुर हमने जीता और इसके बाद हम धर्मशाला भी जीती गए थे, अगर तोड़फोड़ न की होती वहाँ पे। और इसके अलावा दूर दराज आप देखिए तो बिल्कुल कोने की, हिमाचल के कोने पर लाहौल स्पीति, वहाँ भी हमने बनाया। तो आप ये जान लीजिए कि हम शिमला कॉरपोरेशन भी जीतेंगे और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। कोई ये सब जो है, इन चीज़ों से किसी को कुछ विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत जगह बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत छोटी मोटी शक्तियाँ आएंगी वोट काटने के लिए, बस खाली वोट काट पाएंगी लोगों का और कुछ नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस जीत के यहाँ सरकार बनाएगी। देखिए ऐसा है ना कि सोनिया जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने मीटिंग दिल्ली में ली थी, हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया था, उन सबसे विचार विमर्श किया, क्योंकि ये परंपरा है, सोनिया जी लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, सबके विचार सुने उन्होंने, इसलिए उन्होंने सबके विचार सुने। अब उसके बाद पार्टी लीडरशिप फैसला लेगी कि क्या करना है, उस बारे में भी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पार्टी कुछ नहीं कर सकते, ये पार्टी नेतृत्व जो है, पार्टी हाईकमान इस मामले में जो है फैसला करेगा। 6 तारीख को केजरीवाल आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अरे तो केजरीवाल 6 तारीख का, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, वो तो कई जगह केजरीवाल जा रहे हैं, 2 तारीख को गुजरात भी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उनको कोई रोने में गुस्सा हुआ आए अपना सब जगह घूमने से क्या फर्क पड़ता, आम आदमी पार्टी से हिमाचल के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।